नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, दुल्हन से सची रामनगरी, रोशनी में नहाया राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी होंगे समारोह में शामिल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जनलाल, सरकार ने किया आधे दिन का अवकाश घोषित, प्रदेश में शराब और मीट की दुकानें बंद रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह, राजस्थान के शहरों में आतिशबाजी, कई जगह किया गया कार सेवकों का सम्मान। जबलपुर के गोगुंदा में सड़क हादसा, खोखरिया नाल सुरंग के पास पलटी सवारियों से भरी जीप, 5 युवकों की मौत। टोंक के उनियारा में बैरवा समाज की तरफ से सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की, जहां पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रेमचंद बैरवा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने समाज की कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बैरवा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही बैरवा ने यह भी कहा कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आ गई और ये डबल इंजन सरकार राजस्थान के उत्थान का काम करेगी। कार्यक्रम में IAS डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा सहित कई समाज बंधु मौजूद। आप लोगों की अच्छी परंपरा जो आपने निभा रहे हो, निश्चित रूप से समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। समाज के उत्थान में कारगर साबित होगी कि हमारी समाज के जो भी प्रतिभा छात्र और छात्राएं हो, चाहे किसी पदों पर चयन हो, और उनको अगर हम स्टेज पर लाकर सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से उनका और अधिक उत्साहवर्धन होता है और वो आगे और संघर्ष करने में कामयाब होते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर राजस्थान चैंबर भवन में केशव नवनीत की तरफ से कार सेवक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रामचरण बड़ाया ने बताया कि समारोह में 41 कार सेवकों का सम्मान किया गया। कार सेवकों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और राम नाम का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों के त्याग और तपस्या के बाद ये सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा। वहीं RSS के वरिष्ठ प्रचारक और पाथेय कण की प्रकाशक माणक चंद ने कहा कि राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हमारे गौरवशाली इतिहास का पुनर्अवलोकन है। राम भक्तों के सतत सहयोग से ही यह सपना साकार हो पाया। इस दौरान डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट, सह प्रांत संघ चालक हेमंत सेठिया, डॉक्टर KL जैन, अध्यक्ष RCCI ने भी अपने विचार। वही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग जयपुर परिवार की तरफ से मानसरोवर में श्री राम संकीर्तन सत्संग संध्या फेरी निकाली गई। करीब 200 स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक राम भजन गाते नाचते हुए फेरी निकाली। इस दौरान तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक और वरिष्ठ आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षक डॉक्टर सौरभ शेखावत ने अपनी सुरों की लय से राम भक्तों को झूकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक उत्कर्ष और अमृता ने बताया कि इसमें 18 जनवरी को आर्ट ऑफ लिविंग निर्माण नगर सेंटर में राम संकीर्तन सत्संग का आयोजन इससे पहले किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। वहीं जयपुर शहर के खोली के हनुमान जी मंदिर में फेलिसिटी प्रोजेक्ट की तरफ से टीम के डायरेक्टर ने प्रसादी का आयोजन किया और इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसादी का जमकर आनंद उठाया। श्री राम कल पधार रहे हैं जयपुर, पूरे देश उसकी तैयारी में लगा हुआ है, तो हमें लगा छोटी सी एक सब लोग मिल भी लेंगे, काफ़ी समय हो गया था, तो इसलिए एक फेलिसिटी ग्रुप की तरफ से सब लोगों ने बैठ के एक प्रसादी का आयोजन किया। इसी के तहत हम सब लोग मिले हैं और बस इसी का।
अयोध्या में कल 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बीकानेर में भी उत्साह और उमंग देखी जा रही है। शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने गणवेश में बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन। शहर के नरसिंह सागर तालाब से अनुशासनबद्ध होकर स्वयंसेवकों का पथ संचलन कोठारी अस्पताल रोड, जसूसर गेट, एमएम ग्राउंड होते हुए पुष्करणा स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस दौरान शहर में जगह जगह पथ संचलन का पुष्प वर्षा और परंपरागत घोषे से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पुष्करणा स्टेडियम में स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस पथ संचलन में आरएसएस की चयनित 250 स्वयंसेवक बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए हिस्सा लेते नजर आए। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इसके चलते प्रदेश भर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जयपुर के दुर्गापुरा स्थित होटल मैरियट के पास संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। राजगंगा अखबार की तरफ से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में फर्स्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। राजगंगा समाचार पत्र की तरफ से जो अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उसको लेकर आज सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। संगीत में सुंदरकांड है, 20 से 25 कलाकार जो कि संगीत में सुंदरकांड के पाठ करते हैं, बाल कलाकार भी शामिल हैं, वो यह आध्यात्म का बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। शहर के लोगों में इसको लेकर बहुत उत्साह भी है। हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पधारे हुए भी हैं और सुंदरकांड के पाठ और भजन सरिता का आनंद ले रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर आयोजन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया। प्रदेश भर की दरगाहों पर दीप जलाकर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। जयपुर की प्रमुख दरगाह सैयद जफर अली शाह रहमतुल्ला अलेह उर्फ इमली वाले बाबा पर हुए कार्यक्रम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में दीप जलाकर गंगा जमुनी तहसीब की मिसाल कायम की गई। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अकरम कुरैशी सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। जयपुर के पाबूवाल परिवार की तरफ से 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा में लगने वाले प्रथम भोग का स्पेशल भोग पात्र तैयार किया गया, जिसमें 7.5 किलो चांदी और 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि थाल को विशेष तौर पर पूरी रिसर्च करके बनाया गया है। इस साल में 15 श्लोक लिखे हैं जो सुंदरकांड से लिए गए हैं। इसके साथ ही थाल के किनारों पर जयपुर की कलाकृति को दिखाया गया है। वहीं थाल के नीचे 24 कैरेट सोने से हनुमान जी को वीर मुद्रा में दिखाया गया है। परिवार के लक्ष्य ने थाल के बीच में कलश बनाया। पूजा ने परिवार की तरफ से 4 पात्र भेंट किए हैं, जिसमें थाल, कलश, कमल और हनुमान की आकृति भेंट की है। वहीं साथ में 21 कमल की कलियां भी है। ये आप जो देख रहे हैं, हमने ये एक राम भोग थाल बनाया है जो अयोध्या जा चुका है। इसमें सेंटर में अगर आप देखते हैं तो एक सूर्य बना हुआ है। ये जो सूरज है, ये हमारे कई जगह हमारे सूर्य देवता का भी काफ़ी विशेष तरीके से ध्यान रखा गया है। और चारों तरफ अगर आप देखते हैं, इसमें 15 हमने यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं इसके अंदर, जो अपने 35वें अब सुंदरकांड के 35वें सर्गे से लिए गए हैं और ये दर्शाते हैं यहाँ पे। और इस सुंदर जो ये कॉलर आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर, ये हमने एम्बॉस करा हुआ है इसके ऊपर, और ये अपना जयपुर की कलाकृति को दर्शाते हुए और जब इसको बनाया गया है। मथुरा में मेरे नाना नानी ने शुरू से मुझे जो संस्कार दिए हैं, मैं उन्हीं पर चली हूँ और वो ही मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। जिस तरह से भारतीय परिवार अपने बच्चों को संस्कार देता है और वो बच्चे उन संस्कार का पालन करते हैं, तो ये हम उस खुशी को व्यक्त
किया ही नहीं जा सकता। जैसे श्री राम अपने पिता के वचनों की मान्यता रखने के लिए 14 वर्ष के लिए खुशी खुशी वनवास चले गए, और तो फिर भारतीय संस्कृति के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। 21 पांच चीज़ों से लेके मानता है, जैसे पंच इंद्रियां, पंच कर्म, पंच प्राण और पंच भूत, और एक हमारा मस्तिष्क जो माइंड होता है। तो इसे 21 को मिला करके 4 पात्र हैं कुल मिला के। आप अगर कमल की पंखुड़ियाँ देखें तो 84 हैं, जो हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि अगर भगवान राम की छत्र छाया में और धर्म के मार्ग पे हम चलते हैं तो हम मनुष्य की ही नहीं 84 लाख योनियाँ सभी का उत्थान होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि राम जी के श्री रामचंद्र जी को सबसे प्रिय उनके भक्त हैं, और उसी भक्ति को इस थाल में उकेरा गया है। और सबसे अच्छी बात ये थी, जब हम अयोध्या गए और हमने थाल जब वहाँ उनको दिया तो उन्होंने हमें मुख्य सचिव जी हैं चंपत राय जी, और जो वहाँ के गोविंद गिरी जी महाराज जी हैं, उन्होंने हमें बोला है कि 22 तारीख को पहला जो भोग लगेगा वो इसी थाल में लगेगा। तो हमारे लिए, राम जी के भक्त के लिए, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती खुशी की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत लोगों में उत्साह है। रामोत्सव के चलते मिट्टी उद्योग से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित हैं। अब रोड के कुम्हार मोहल्ले में मिट्टी के दीपकों की बिक्री में इजाफा हुआ। लोग दीपावली के तर्ज पर दीपक खरीदने पहुंच रहे हैं। पूर्व में बनाए गए मिट्टी के दीपक बिक चुके हैं। मिट्टी के दीपकों की डिमांड से कुम्हार खुश नजर आए। इस पर हमारे सहयोगी मनोज चौरसिया ने कुम्हार मोहल्ले का जायजा लिया। आप भी देखिए। बाईस जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके चलते पूरे देश भर में उत्साह का आलम है। हर जगह भगवा पताका है और दीपक की खरीदी बढ़ गई है। हम यहाँ खड़े हैं आज कुम्हार मोहल्ले में, जहाँ पर मिट्टी का कारोबार होता है, मिट्टी के दीपक और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। यह दूसरी दीपावली के तर्ज पर यहाँ पर जो दीपक बनाने का कार्य जारी है, लगातार दीपक का विक्रय जारी है। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ जो है दीपक बनाने वाले कुम्हार हैं। वैसे किस तरह का आप इस बार देख रहे हैं दिवाली, किस तरह की लग रहा है आपको? बहुत अच्छी, हमारे लिए तो और भी बहुत खुशी की बात है कि दोबारा दिवाली की तरह उसी उत्साह से दिए की बिक्री हो रही है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वापस से दीपक बनाने पड़ रहे हैं। जो दीपक थे वो भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आपको लगता नहीं कि इस बार दूसरी दिवाली जैसे ये साबित हो रही है? पूरी दूसरी दिवाली है, जैसे कि वैसे ही दीपक बिक रहे हमारे, सब गाँव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। बिजनेस की दृष्टि से क्या चलता है? बहुत अच्छा, हमारे तो डबल दिवाली होगी। बिक्री में कुछ ज़्यादा इजाफा या नहीं हुआ? हाँ, इजाफा हुआ है ना, जैसे उस दिवाली और इस दिवाली में बरोबर सेम टू सेम। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी बहुत ही अच्छी स्थिति है भाई। आसमान से लेकर धरती तक लोगों के अंदर दीपावली से भी एक अच्छा माहौल बना है। लोगों में बहुत उत्साह के साथ ये लोग अपने घरों को सजावट करेंगे, पूरा शहर जगमग रोशनी से जगमगाएगा, हर और खुशी का आलम है। लोगों में भगवा पताके की तरफ लोगों का रुझान और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब लोगों में उत्साह का माहौल है। दिवाली से भी ज़्यादा अच्छा इस बार लग रहा है दिवाली। तो ये दिवाली मतलब एक उत्साह ऐसा अजीब सा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि दिवाली से ज़्यादा जितना हमारे को कमाई दिवाली की हुई उसमें इस बार अच्छा लग रहा है। ठीक, और अब जहाँ लोगों में उत्साह का आलम है, वहीं जो ये मिट्टी का जो कारोबार करते हैं, दीपक आदि बनाते हैं, इनमें भी उत्साह का आलम है, और ये इनके लिए दूसरी दीपावली साबित होने जा रही है। कैमरा पर्सन मगन के साथ मनोज चौरसिया, आबू रोड। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित खड़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की, तो वहीं शहर में निकाली जा रही शोभा यात्रा में शिरकत की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन को पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सीपी जोशी ने उन पार्टियों के नेताओं को भी नसीहत दी जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बातचीत के हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर और निश्चित तौर पर सुबह जिला कार्यालय भी पहुंचे थे।
पार्टी के जिला कार्यालय के बाद आप मंदिर पहुंचे और मंदिर में सफाई भी की है, जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो बात हो रही है कि राज्याभिषेक होने जा रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है एक पार्टी का कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं कल के कार्यक्रम को आप? देखिए, अब ये पार्टी के कारण नहीं, पूरे देश की जनता का कार्यक्रम बन, जनता ने जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। पार्टी ने इसकी अगुवाई की है कि पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चले प्रत्येक मंदिर पर, लेकिन समाज अब आगे आकर हर मंदिर को, हर तीर्थ क्षेत्र को स्वच्छता अभियान से जोड़कर उस दिशा में लग पड़ा है। कल वहाँ लाइव प्रोग्राम होगा, भगवान श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उस कार्यक्रम को जनता ने, समाज ने हर गांव ढाणी में वहाँ लाइव कार्यक्रम को भी देखेंगे, वहाँ आरती भी होगी, वहाँ भंडारा भी होगा और शाम को हर गांव में ढाणी में हर घर पर दीपदान भी होगा। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छता अभियान से भी जुड़ गया और 22 तारीख को लाइव कार्यक्रम से लेकर दीपदान तक सब लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लिया है और पूरा देश राममय हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं प्रदेशवासियों से इतना ही आग्रह करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस स्वच्छता अभियान के माध्यम से आप सब लोग जुड़े, इसके लिए तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज के दिन भी मुझे कई जगह से फोटोज़ आए हैं लोगों के कि सब लोग इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से जुड़े हैं और कल के दिन हर समाज को, हर गांव को, हर ढाणी को, जन जन को साथ लेकर इस कार्यक्रम में, हर गांव में हम सब लोग इस रामोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं, शांतिपूर्ण मनाएं और शाम को दीपदान में हर घर पर दिया जलाएं। जैसे लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या जी आए थे उस दिन को आज भी देश के लोग दिवाली मनाते हैं, वैसा का वैसा दिन हम सब लोग हर घर पर दिया जलाकर इस बरसों पुराना जो हम सब लोगों का सपना था कि क्या हम अपनी आँखों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इस दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे क्या, वो पुण्य दिन, वो पुनित कार्य, जिस कार्य के लिए भगवान श्री राम ने भी मोदी जी जैसे किरदार को चुना, ऐसे कर्मयोगी को चुना जिनके हाथों भूमि पूजन भी हुआ, तो कल दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कहा हमने किसी को जाने से रोका नहीं है, पूरी कांग्रेस जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन आदमियों को जो इन्विटेशन मिला था उन्होंने उस दिन जाने से मना किया, आगे पीछे हम जाएंगे। देखिए, अब जनता का मिजाज उसको हम समझा रहा है, आखिर क्यों आपने निमंत्रण क्यों ठुकराया कि हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? भगवान श्री राम को एक पार्टी के नहीं, पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों के हैं, तो अच्छा होता कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया कि हम रामलला का पैदा नहीं हुए, रामलला काल्पनिक है, वो भी भगवान कहीं कहीं माफ़ कर देते अगर इस दिन आप चले जाते तो, क्योंकि ये इस ऐसे कार्यक्रमों को राजनीति में नहीं डालकर एक ट्रस्ट, अयोध्या जी ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम को, श्रीराम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे कार्यक्रमों में बिना राजनीति से उठकर चूँकि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे आध्यात्मिक हो जिनमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, और बाकी नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को भी राजनीति को किनारे रखकर ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह से कल राम अभिषेक होना है, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा है बल्कि लोगों में इस तरह का उत्साह हो गया है कि जिस तरह से मानो भगवान श्री राम वापस अयोध्या से लौटे हों, और इस प्रकार की उन्होंने नसीहत भी दी है, उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को कहा है कि सबको जाना चाहिए और राजनीति से उठ करके पूरे प्रकरण को लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब जनता का मिजाज उनके समझ में आ रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। जयपुर में कारसेवक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया जहां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में शामिल रहे राजस्थान के कारसेवकों का सम्मान कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कारसेवकों ने पुराने यादों को याद करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। श्री राम मंदिर के मंदिर बनने का स्वप्न साकार हो रहा है, टाट से निकलकर राम जी अपने भव्य महल में जा रहे हैं,
हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम सबको ये देखने का मौका मिला है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 500 साल से चल रहा है, इसमें हजारों कुर्बानियां की है। 1989 के बाद जब संघ परिवार ने इसे अपने हाथ में लिया, कार सेवा के कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो राम मंदिर कार सेवा में जिन लोगों ने अपनी आहुति दी, जिन लोगों ने अपने बलिदान दिया, तो केशव उन्होंने तय समझा कि ऐसे पुण्य पुनीत पावर पर इस कार राम मंदिर के भव्य निर्माण की नीम की ईंट कार सेवा के उनका अभिनंदन किया जाए। गणतंत्र दिवस पर इस बार 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी निकलेगी। इस झांकी में विकसित भारत में पधारो महारे देश के दर्शन होंगे। झांकी के नोडल अधिकारी डॉक्टर रजनीश अर्च ने बताया कि सांस्कृतिक झांकी में विकसित भारत की संकल्पना में राजस्थान की उत्सव धर्मी संस्कृति में समाये महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास का प्रदर्शन है। झांकी के अग्रभाग में घूमर नृत्य का दर्शन है। इसमें घूमर करती 10 फीट आकार के राजस्थानी वेशभूषा में नर्तकी का मूर्ति शिल्प दर्शाया गया। झांकी के पिछले भाग में भक्ति और शक्ति के प्रतीक मीराबाई की सुंदर प्रतिमा प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त महिला हस्तशिल्प उद्योगों के महिलाओं के द्वारा भी संचालन और निर्मित उत्पादों की झलक प्रस्तुत की गई। राजस्थान की पारंपरिक बंधेज बगरू प्रिंट एप्लिक वर्क करती उद्यमी महिलाओं को इसमें दर्शाया गया। झांकी के ही पिछले भाग में रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट भी सुसज्जित प्रतिमा में। जयपुर के जल संसाधन विभाग में बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां एसीएस जल संसाधन अभय कुमार ने आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई, जहाँ तय समय से पीछे चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर एसीएस ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों के सामने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रोजेक्ट में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा होना देखना चाहती है, ताकि प्रदेश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में 500 करोड़ से ज्यादा लागत के 11 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और निर्देश भी दिए गए। झुंझुनू के डूडलोद में राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से युवा साथी संगठन के सहयोग से 3 दिवसीय युवा महोत्सव अरुणिमा आयोजित किया गया, जिसमें समापन सत्र में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी और झावर सिंह खरा ने शिरकत की। 3 दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में प्रदेश भर के युवा विशेषज्ञों ने रूबरू हुए। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुकाम दे रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं जोड़ीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने कहा कि किसी भी नवाचार के सदुपयोग हमारे लिए अपार रास्ते खोलते हैं। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खरांडी इस समय युवा महोत्सव में डूडलोद में आए हुए हैं। बाबूलाल जी सब युवा महोत्सव में भाग लिए हैं, जिस तरीके से विवेकानंद जी और नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक अपने समानांतर आंका है, इस तरीके से इसको देखते हैं युवा महोत्सव इस कार्यक्रम को। देखिए, युवा हमारे देश की ताकत है। युवा को हम दो हाथों में काम दें, उसको संस्कार मिले और उसको आगे बढ़ाने का काम हम काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। इसलिए युवा की कोई नीति बना कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री युवा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम राज्य में भी ये जो महोत्सव हुआ इसका ड्राफ्टिंग भी लेंगे और युवा के लिए हम क्या कर सकते हैं नीति बना करके युवा को आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। जो डिपार्टमेंट है जनजातीय और होमगार्ड, तो जिस तरीके से उस आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ा चेहरा, साथ साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जो विचारधारा है वो वहाँ तक प्रत्येक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का विकसित भारत संकल्प जो सपना सोचा कि प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिले और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे देश पूरे विश्व में नाम आगे रहे, जो योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को आदिवासी इलाकों में पहुँचे, उसके लिए क्या विशेष रूप से आप सोचा? देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की योजना बना के गरीब के ऊपर खड़े का काम किया। योजना बनती है, कई बार कागजों में रह जाती है। अभी आपने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है, काफ़ी लोग इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब भीड़ इतनी मच रही है, सारे महिला पुरुष सारे लोग आ रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो पात्र व्यक्ति है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। अब हम लोग जो बार बार गरीबी का नारा देते हैं, उस नारे को हम मिटाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी मिटाना चाहते हैं, तो उनकी योजना बना करके और उनको मिटाने का काम करेंगे। 22 जनवरी कल का एक विशेष दिन रामलला मूर्ति स्थापना दिवस, तो
प्रत्येक भारतवर्ष इसमें शामिल है और एक तो सनातन संस्कृति के रूप में उस क्षेत्र में भी जहाँ पर अभी राम जी को मानने वाले लोग जहाँ मतलब ये जनजातीय इलाके में भी प्रत्येक व्यक्ति राम जी की आस्था को उत्सव किस तरीके से मना रहे हैं। देखिए वहाँ का आदिवासी भगवान राम में उनकी आस्था है और जब मिलता है तो राम राम करता है, विश्वता भी राम राम करता है। एक मतलब त्यौहार सा माहौल है, गांव ढाणी में सारे लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हमारे सदियों का संघर्ष था वो सफल हुआ है और हमने राम मंदिर कल प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हमारा सौभाग्य होगा, हम भी दर्शन करेंगे। एक अंतिम सवाल, होमगार्ड के लेकर कुछ नए वैकेंसी और रोजगार की भर्तियों के विषय? होमगार्ड को जो जिस प्रकार की समस्या मेरे सामने आ रही है हम निश्चित रूप से बैठ करके उनका निस्तारण करेंगे, उनको जो समय पर भुगतान मिले और स्थायी रोजगार मिले वैसा हम कुछ सोचेंगे। बरसों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में अब बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना के अंतर्गत पानी की टंकियों के निर्माण तेजी से शुरू कर दिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्षेत्र में 2 उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वार्ड नंबर 6 की ब्रिज कॉलोनी और वार्ड नंबर 12 की निर्मल विहार कॉलोनी में पानी की टंकियों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि हमने बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाने का वादा किया था, अब सरकार बनते ही उस पर अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने और कार्य की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए रखने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि आम जनता को पीने के पानी की सप्लाई में तकनीकी खराबी के चलते परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कोटा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गोरख धंधे पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने क्षेत्र के 2 अलग अलग स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन युवतियों और स्पा सेंटर के मालिकों को हिरासत में लिया। स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियों और स्पा मसाज की आड़ में दिए व्यापार की सूचना पर पुलिस ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की। हालांकि पुलिस को यहां अवैध गतिविधियां नजर नहीं आई, लेकिन पुलिस ने स्पा सेंटर पर बड़ी तादाद में युवतियों के होने की बात सामने आई। गुमानपुरा पुलिस युवतियों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई। पुलिस सभी युवतियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर पर काम करने वाली अधिकतर युवतियां कोटा से बाहर की रहने वाली है। कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने शहर के दादाबाड़ी क्षेत्र में स्पा सेंटर से युवतियों और युवकों को पकड़ा था और देह व्यापार की धाराओं में केस दर्ज किया था। पिछले कई दिनों से कोटा शहर में संचालित स्पा मसाज स्पा पार्लर वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ संचालित होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर आज शिमला उप निरीक्षक है उसके द्वारा अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ पे चेक किया गया। तो हालांकि वहाँ पर गतिविधियाँ संचालित होने वाई पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो अवैध रूप से काम देख रही थी जिनको पूछताछ के लिए यहाँ पे थाने पर लेके आए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।